अच्छा जी, आपने यहाँ से जो है वो सबसे पहले एक बॉक्स ले लेना है। बॉक्स में जो है वो आप कोई भी कलर ले लें। उसके बाद इसको फिर प्लस करके तो हम यहाँ से इसको डिब्बे को कर देते हैं छोटा। फिर इसको प्लस प्लस करके तो इसको उठा के कंट्रोल सी, इसको बॉक्स को हम पकड़ के प्लस किया था, ये दो हो गए। अच्छा, एक इसको हम थोड़ा सा इस साइड पे और थोड़ा सा इस साइड पे, ये दो बॉक्स इक्वल साइज जो है यहाँ पे प्लस, इसको उठा के इस तरफ, फिर शिफ्ट दबा के दोनों को कंट्रोल डी तो डी करके दो यहाँ पे, ठीक है। ये वाले जो है इनको शिफ्ट के साथ थोड़ा सा नीचे, ये वाले और ये वाले शिफ्ट के साथ थोड़े से छोटे, ठीक बराबर हो गया। अच्छा, उसके बाद इसमें ये कलर, इसमें ये कलर और इसमें ये कलर और इसमें जो है ये कलर। उसके बाद ये वाला, ये आपको बताया था इसकी एक बी शेप लेके, तो ये वाला इसको जो है यहाँ से आपने इनकी शेप ड्रा कर लेनी है। यहाँ पर जो है इनकी शेप ये आ जाएगी। उसके बाद फिर यहाँ से जो है ये वाले या इसमें ये वाला, फिर इसको यहाँ पे कंट्रोल डी डी करके इसमें जो है वाइट कलर, फिर कंट्रोल डी डी करके यहाँ से ये वाला कंट्रोल डी करके कंट्रोल डी, फिर यहाँ से उठा के तो यहाँ से इसका जो भी आपने इनमें करने कलरिंग वगैरह। उसके बाद यहाँ से आपने ये वाला दिखाई दे रहा है टेबल, मैंने देखे कितने, 1 2 3 4 5 6 कॉलम और तीन रो, यहाँ से जो है इनके 6 कॉलम और 3 रो। तो यहाँ से जो है ये लेने थे 6 कॉलम और 3 रो और ये डिलीट, और यहाँ से जो है इनको ये यहाँ पे ये वाला और इसको उठा के तो यहाँ से ये यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद फिर ये वाला कंट्रोल डी करके तो इसको यहाँ से सेंटर में पकड़ के तो इनको जो है हम यहाँ से ये वाला, उसके बाद फिर यहाँ से इनके ये वाले, तो उसके बाद फिर यहाँ से फिर कंट्रोल डी, उसके बाद ये वाला यहाँ पे, उसके बाद फिर कंट्रोल डी, उसके बाद फिर ये वाला यहाँ पे, ठीक है। अगर नीचे वाला बॉक्स है इसको थोड़ा सा हम जो है यहाँ पे, और उसके बाद ये वाला जो बॉक्स है इनको थोड़ा सा इस साइड पे, इसका भी जो बॉक्स है वो भी थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, आ जाएंगे सारे इन थोड़ा जहाँ इतने थोड़ा जहाँ इतने इन्हें थोड़ा जहाँ ऊपर, ठीक है, इन इनके एस कौन है थे इनका जरा ना इतने एस कौन है, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला जो है आपने इनको बराबर करके शिव के साथ ये वाला इनमें वाइट कलर, ठीक है। उसके बाद सारे यान ग्रुप आल सारे यान ग्रुप, उसके बाद फिर एक शीर्ष दबा के 2 3 4 5 6 7 और 1 8 इसमें जो है ये कलर या ग्रीन कर देना था, इसको ये पकड़ के ये वाला शिफ्ट के साथ ये वाला, फिर ये वाला इसमें ये कलर, उसके बाद फिर शिफ्ट के साथ उस बॉक्स के ऊपर क्लिक करते जाएं और इसमें यहाँ पे ये वाला या इसमें ये वाला, उसके बाद फिर यहाँ से आप इसको जो है ये वाला ये ऊपर वाला शिफ्ट दबा के बॉक्स पे क्लिक करते जाएं यहाँ पे और ये वाला, इसमें जब वो आपने ये वाला या ये वाला इस तरह से आपने इनको बनाना है। ये वाला जो है इसको कंट्रोल डी करके तो इनको कंट्रोल अप नहीं, इसके बाद फिर यहाँ से इनको छोटे साइज में फिर कंट्रोल डी यहाँ पे ला के तो फिर कंट्रोल डी 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 फिर कंट्रोल डी,
इसके बाद हाँ और इसको हाँ ठीक इसको पकड़ के तो बैठ जी बैठ जी। इसके बाद फिर इनमें वाइट कलर करना था, उसके बाद फिर आपने इसको यहाँ से यहाँ पे फिर इसको भी कंट्रोल डी करके इधर बॉक्स पकड़ के तो ये वाला इस तरह से आपने ये सारे का सारा इसको बना लेना है, डिज़ाइन कर लेना है। इस पर एरो लगाने हैं तो वो आपको यहाँ से सिंबल में जाके तो यहाँ से ये सारे के सारे इनके नीचे सिंबल होंगे, यहाँ से इनमें वेब रिंग्स हैं, वेब रिंग्स के अंदर यहाँ पर नीचे मुख्तलिफ तरह की शेप्स और एरोस वगैरह जो हैं वो इनमें आ जाएंगे। ये वाले यहाँ पर इनके अंदर आपको एरोस वगैरह जो हैं वो मिलेंगे, तो यहाँ से आप इनके एरोस वगैरह की जो शेप हैं वो आप इनमें से ले सकते हैं। यहाँ से ये एरोस वगैरह की शेप जो है वो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ ये वाला इसमें जो शेप हैं ये सारे के सारे इनके एरो लिए गए हैं यहाँ से इन्हीं शेप के अंदर से। ये वाले ये सारे के सारे जो हैं यहाँ से आपने इनकी शेप्स में एरो ले लेने, यहाँ से ये वाले यहाँ ये वाला उठा के यहाँ से ये वाले, तो इस तरह से आपने जो है इसका रुख अगर आपने चेंज करना है दूसरी तरफ या जिस तरफ भी, तो आपने इसको जो है रुख इसका जो है वो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप यहाँ से ये तो आपको सिखाया था ना इसका जो है हम रुख अगर इसका चेंज करते दूसरी तरफ और इसको ऊपर की तरफ उठा के, तो इसको जो है हम यहाँ से रोटेट तो इसको उठा के यहाँ पे और इसको हम थोड़ा सा छोटे साइज़ में, तो यहाँ से जो है इसका ये वाला इसको यहाँ से जूम इसके ऊपर हम जूम लगा देते हैं, और ये वाला जो टूल है इसको यहाँ से जो है यहाँ पे और इसका फिर यहाँ से, और इस तरह से आप जो इनकी चेंजिंग इनमें कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इनको इनकी शेप जो है वो आप उसकी बना सकते हैं और इसकी शेप को आप ठीक कर सकते हैं।